हरियाणा के कैथल में अंतरजातीय विवाह करने पर एक भाई ने अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी। घटना कैथल की नानकपुरी कॉलोनी की है, जहां आरोपी भाई ने अपनी बहन के ससुराल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में युवती की ननद और सास भी गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार नानकपुरी कॉलोनी के अनिल कुमार ने क्योड़क गांव की कोमल रानी से इस साल 6 फरवरी को शादी की थी। इस अंतरजातीय विवाह से कोमल का भाई नाराज था और पहले भी कई बार धमकियां दे चुका था। आरोपी भाई अपनी बहन के घर आया और कुछ देर बातचीत करने के बाद अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस हमले में कोमल, उसकी ननद अंजलि और सास कांता को गोलियां लगी। घटना के बाद तीनों को तुरंत कैथल के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां कोमल को मृत घोषित कर दिया गया। ननद अंजलि और सास कांता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें नानकपुरी कॉलोनी में गोलियां चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने लड़के के परिवारजनों की स्टेटमेंट ली और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोमल के ससुर ने बताया कि विवाहिता का भाई और उसके परिजन पहले भी कई बार उनके घर धमकी देकर गए थे। बेटे और बहू को हाईकोर्ट से सुरक्षा भी मिली हुई थी, इसके बावजूद आरोपी ने घर में घुसकर 3 महिलाओं को गोली मार दी।